भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी और एक समय के भारतीय टीम के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक गौतम गंभीर आज अपने प्रदर्शन की वजह से जाने जाते हैं। बता दें आपको कि काफी लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर रहने के बाद गौतम गंभीर ने संन्यास लेने का फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि गौतम गंभीर ने सभी क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा सोशल मीडिया के जरिए सबको दी है। गंभीर ने एक वीडियो के जरिए इसकी जानकारी दी। बता दें आपको कि गंभीर ने कहा कि अपने देश के लिए 15 साल से भी अधिक समय तक क्रिकेट खेलने के बाद मैं इस खूबसूरत खेल को अलविदा कहना चाहता हूं। यह आक्रामक बल्लेबाज 2007 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए विश्व कप T20 और वनडे विश्व कप 2011 के फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज। गंभीर ने 11 मिनट के अपने वीडियो में कहा कि आंध्र प्रदेश के खिलाफ अगला रणजी मैच मेरा आखिरी मैच होगा। मेरे क्रिकेट सफर का अंत उसी फिरोजा कोटला मैदान पर होगा जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। भारत के सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक गंभीर पिछले कुछ समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में खेला था। वो 2013 में वनडे और 2012 से T20 से बाहर थे। उनकी अगुवाई में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2 बार IPL खिताब जीते। गंभीर ने कहा कि संन्यास के फैसले पर पहुंचने से पहले उनका इस पर काफी विचार किया था। नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट डेस्क से गौरव की रिपोर्ट।